साइन कर दो शिवा। ये क्या है? दुकानदारों का पैसा धोखे से हड़प जाने वाले उस ताऊ के ऊपर केस करूंगी, तुम्हारी बहन का रेप करने वाले प्रकाश के ऊपर केस करेंगे, तुम्हें जान से मारने की कोशिश करने वाले उस रुद्रा और उसके गैंग के ऊपर केस फाइल करना है हमें। अगर तुम साइन कर दोगे तो उन्हें अरेस्ट करके फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी। जरूरत नहीं शिवा, कोर्ट में तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, वादा करती हूं। मुझे कैसा इंसाफ मिलेगा मैं जानता हूं। मेरी बात सुनो शिवा। मेरी बहन के रेप से, मुझ पर हुए मर्डर अटेम्प्ट से रुद्र गैंग का कोई लेना देना नहीं है। दया करके हमें इस केस में मत डालो। शिवा, तुम डर रहे हो? बादल को देखकर अगर सूरज छिप गया तो ये धरती पर काला साया आ जाएगा। शिवा, तुम जैसा इंसान अगर गुंडा राउडी मवालियों से डर गया तो। रोजा, तुम कुछ भी कहो, मैं उन पर केस नहीं करूंगा। गांव में जिसे भगवान का औकात दिया जाता था वो चंद गुंडों के हाथों हार जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। आई पिटी यू शिवा। साला, हमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं हुई उसकी, हम पर केस नहीं किया। आंखों के सामने बैठ कर रेप देखकर फट गए साले की। हमसे डर करके अस्पताल में चादर ओढ़ के लेट गया। पहले वाला शिवा होता तो चादर हमारे लाशों पर बिछा देता। मारो गोली, उसका चैप्टर क्लोज। हमारी तलवार का कोई जवाब नहीं है। क्या भाई? अरे जेपी, अरे गांधी, अरे अरे, आज का पेपर पढ़ा क्या? पेपर पढ़े क्या पूछ रहे हो? यानी कि हमें पेपर पढ़ना नहीं आता? अपने आप को शाना समझ रहा है? अरे वो बात नहीं है। क्या बात नहीं है? क्या बात नहीं है? अरे अरे, उसने पूछा कि पेपर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि रेप किया कि नहीं किया? इसके बारे में तुम नहीं जानते। मैं इसके कैंप में गया था तो ये मेरी बीवी के पास आकर दिल तो पागल है फिल्म का टिकट ला कर दिया। अरे तो इसमें गलत बात क्या है? गलत नहीं तो फिर और क्या? दूसरे हॉल में शोले पिक्चर चल रही थी, उसकी टिकट नहीं ला सकता था क्या? अरे हाउसफुल होगी और क्या। अरे पेपर में खबर क्या है? थैंक्स, अभी असल मुद्दे पर आए। ये देखो, वो बेचारा शिवा है ना, उसकी बहन का रेप करने वाला आदमी उस रुद्र के गैंग का नहीं है, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया है। ऐसा क्या? हाँ, इतना ही नहीं, उस पर जानलेवा हमला करने वाला भी उस रुद्रा के गैंग से नहीं है, ऐसा पुलिस को बयान दिया है। कलयुग है भाई। कलयुग नहीं, गुंडों का राज है भाई, ये बेचारा क्या कर सकता है? अरे रुद्रा पर केस कर सकता है ना वो। अगर उस रुद्रा पर केस किया ना तो शिवा की समाधि पर दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मैं शिवा की जगह होता ना तो अब तक आपका भाग गया होता। वो हमेशा सच बोलता है ना। सुनिए मूर्ति जी, पेपर में शिवा का स्टेटमेंट आया, पढ़ा क्या? यहाँ पर वही डिस्कशन चल रहा है। ये पढ़कर तो मेरा पेट जलने लगा है। बहुत गर्म हो गया होगा। उनकी जिंदगी खराब हो गई ये सोचकर मैं दुखी हूँ और आपको मजाक सोच रहा है। बंद करो फालतू बकवास। सुनो, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, वरना उस रुद्रा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन लिखवाता। हाँ, रिपोर्ट देते ही आके ले जाने के लिए वो कोई जेमिनी सर्कस का बंदर नहीं है, रुद्र है वो। उसका नाम तो रुद्र है लेकिन सारे गलत काम करता है। और नहीं तो क्या, रुद्र तो भगवान शिव का नाम है लेकिन ये रुद्रा तो राक्षस है। तुम भी हमेशा सच बोलते हो। बाई बर्थ। जरा उधर देखो। खातों को गोदी में भरकर क्यों ला रहे हैं? अपनी कॉलोनी में फिल्म स्टार भी कोई नहीं है, फैंस लेटर समझ के ला रहे हैं क्या? मेरी बीवी पेपर में जो कहानी लिखती है उसे पढ़ने वालों ने कहीं इन लेटरों में ये तो नहीं लिखा है कि दोबारा कहानी लिखोगे तो जान से मार देंगे। जरा शांत रहो, क्यों बैठा किया? चंद्रबाबू नायडू के फाइल महोत्सव की तरह तुम सेंट्रल गवर्नमेंट वाले गोनी में इतनी खत लेकर क्यों घूमते हो? ये कोई साधारण खत नहीं है, लीगल नोटिस है ये। लीगल नोटिस भेजने जैसा हमने इलीगल काम क्या किया है? हमारी बिल्डिंग जिस जगह पर खड़ी है वो इलीगल तो नहीं, कहीं उसका नोटिस तो नहीं है ये? अगर ये बात सच है तो सारे फ्लैट्स वालों को नोटिस आती थी ना। सही कहा आपने, अपार्टमेंट के 750 लोगों को नोटिस आई है ये। ये लीजिए लीगल नोटिस। लीगल नोटिस मैडम, ये आपका। लीगल नोटिस हमें किसने भेजा है? ये आपका नोटिस है, लीगल नोटिस। लीगल नोटिस? हाँ।
चीटिंग। अरे क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे बंधु तुझे समझ में नहीं आता है, उस शिवा की बहन का रेप करने वाले हम ही लोग हैं, ये लिखा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस शिवा को जान से मारने की कोशिश भी हम लोगों ने की है, ये लिखा है। ये सब क्या है मूर्ति जी, उस शिवा को हम कहाँ मारने गए, उसकी बहन का रेप हमने कहाँ किया, रेप करवाने वाला कोई है, रेप करने वाला कोई है, बीच में हमें क्यों बताया जा रहा है? आप मर्द है, आप रेप मर्डर बिल्कुल कर सकते हैं। नॉनसेंस, कॉमन सेंस नहीं है क्या? मुझ पर रेप केस कर दिया है उसने। हाँ मैंने मर्डर किया, मुझे नोटिस भेज दिया, मुझे तो ऐसे भी चल भी का। मैं रेप और मर्डर कैसे कर सकता हूँ, यही कहना चाह रहे हैं ना? वो सब छोड़िए भाई, एक मर्द औरत के साथ रेप करता है ये तो समझ में आता है, लेकिन एक औरत ने औरत के साथ रेप किया है ऐसा इसको नोटिस आया है यार, अब आप लोग क्या बोलेंगे? किसी और के खाने का बिल किसी और के टेबल पर आया, वो रुद्र ने रेप करवाया तो हमें नोटिस क्यों आया? क्यों जी, जब मैं पास आने को कहती हूँ तो पाँव कांपते हैं, हाथ कांपते हैं, बताओ ये रेप कैसे किया, बताओ मुझे। अरे चुप रहो, रेप करने वाला सिर्फ आपका पति ही नहीं है, तुमने भी रेप किया है ऐसा नोटिस में आया है। मैंने? मूर्ति क्या है, इधर तो देख। स्वामी जी आपको भी? स्वामी जी को भी रेप केस का नोटिस आया है क्या? हाँ बालक, रजिस्ट्री पोस्ट आई तो कोई विदेशी भक्त तोहफे के तौर पर डॉलर भेजा होगा, ये सोचकर फाड़ कर देखा तो नोटिस निकली। स्वामी जी ऐसे प्रॉब्लम होगा करके ही नमक मिर्च खाना ही छोड़ दी है। दीदी जीजू स्वामी जी नमक मिर्च के खाए बिना भी रेप कर सकते हैं, मुझे देख रहे हो ना, बिना जहर का सांप हूँ, रेप के नाम से मेरा रिश्ता ही क्या है, मैं रेप कर सकता हूँ क्या, मुझे भेजा नोटिस, बेवकूफ कहीं का, ये सही है, ये इंसाफ है? चुप, सुनो, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उस रुद्रा से डर कर उस शिवा ने हम सबको फंसाया है, हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, चलो हम लोग उसे सबक सिखाते हैं। देखते हैं। क्या है ये नोटिस, स्टैम्प फ्री में मिल गया तो टीवी पर क्विज प्रोग्राम की तरह गोनी भर भर के भेज दिया। तुम्हारे इस नोटिस की वजह से हमारा घर बर्बाद हो रहा है, तुम्हें तुरंत ये नोटिस वापस लेना होगा। कुछ साल पहले मेरी कमजोरी की वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई थी, और वो भी शांति से चली गई, किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन तूने हम लोगों को नोटिस क्यों भेजा? औरतों पर रेप केस, बूढ़ों पर मर्डर केस लगाते शर्म नहीं आती? ये सारी बातें यहाँ मत करो, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाकर बात करो। कोर्ट में जाओ, ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे टेनिस कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या? बेटा राम कृष्ण कह के ध्यान के समय भी नर देवों के अलावा देवियों का नाम न लेने वाले मुझ पर रेप किया है ऐसा नोटिस भेजना बहुत गलत है बेटा। अगर तुमने नोटिस वापस लिया तो हम अपने खुद के खर्चे से तुम्हारी सेहत के लिए यज्ञ करेंगे बेटा। सुनो जीजू, मुझ पर रेप केस ये पता चल गया तो हमारे बिरादरी वाले मुझे बाहर निकाल देंगे, इसलिए बोल रही हूँ, मैं वैसे 0.5 वाली हूँ, मुझ पे 302 का केस लगवाया, आंखें फूट जाएगी तुम्हारी। चाहिए तो अपनी शादी में फ्री का महफिल सजवा लो, नाच करवा लो, नोटिस वापस ले लो। हाँ सुनो शिवा, असल में हम लोग उस दिन तुम्हारे पास आए ही नहीं, हम लोगों ने तुम्हें छुआ तक नहीं, तो हम लोगों पर तुमने केस किया ही क्यों? मेरे पति को पास आने को कहती हूँ तो उनके हाथ पैर कांपते हैं, और तुमने इन पर रेप केस कर दिया। शिवा सीधी तरह से ये केस वापस ले लो, नहीं तो क्या मर्डर करोगे क्या? वैसा तो हमारे यहाँ कोई नहीं करता, यही कह रहे हैं ना। सुनो शिवा, अगर चाहिए तो हम लोग सब चंदा जमा करके तुम्हें थोड़े पैसे दे देते हैं। तुम्हारी डिमांड्स क्या है बताओ, सोचो। बेकार में सोचकर अपनी तबीयत खराब मत कीजिए, जाकर सीधे कोर्ट में मिलिए।
तुम्हारा आखिरी जवाब यही है? वो कोर्ट की बात सुनकर मेरे पति के शरीर के बाकी के हिस्से भी काम नहीं कर रहे हैं। बेडरूम में छिप गया है, बुलाने के बावजूद भी बाहर नहीं आता। बहन, जिसका रेप हुआ वो भी ठीक है और जिसने रेप किया वो भी आराम से घूम रहा है। बीच में आराम से रेप देखने वाले तुम्हारे पति को क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रहे हो ब्रदर? हम जैसे कमजोर दिल वाले कोर्ट में नहीं जा सकते। हेलो, आपकी ओवर एक्टिंग देखकर मुझे लग रहा आपने ही रेप किया है। ऐसी बात है, अगर मुझ में इतनी कैपेसिटी होती तो तुम बार बार अपने मायके क्यों जाती? फिर भी हम औरतें होकर डरते नहीं और तुम मर्द होकर डर रहे हो। डर स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग में डिफरेंस नहीं करता। और जीजू, तुम अपने स्टेटमेंट में नपुंसक लिंग को भी जोड़ लो, बात जो है पूरी हो जाएगी। बालकों, पामी जी, आपस में झगड़ा करने का क्या फायदा? हमें कोर्ट जाना है या नहीं ये बताओ भाई। स्वामी जी, आपने दस्तखत किया क्या? किया था। कवर हाथ में लिया था? लिया क्या था। कवर को फाड़ कर पढ़ा था क्या? हाँ, हाँ पढ़ा था। फिर भी क्या, फाड़ कर पढ़ने के बाद भी कोर्ट में तोड़ कर लेकर जाएंगे तुम्हें। हाँ? भगवान ओ भगवान, नहीं, जाकर कोर्ट में चक्कर काटो। अरे वाह, तुम चुप करो। क्या कोर्ट के बाहर कोई मांडवाली नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल मांडवाली हो सकती है, लेकिन सिवा 1 करोड़ मांगेगा तेरा बाप देगा? उसे 1 करोड़ तो क्या, मेरे नाखून की नेल पॉलिश भी नहीं दूंगी मैं। वेरी गुड, तब इसी बात पर चलते हैं, चलकर कोर्ट में ही फैसला किया जाएगा, क्या कहते हो? ठीक है चलो। कोर्ट तक तो आ जाऊंगा, लेकिन कम से कम एम्बुलेंस तो मत करो, हम तुम्हें एम्बुलेंस में लेकर जाएंगे। चलो 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 चलते हैं। तेरे की, मुझे लगा मेरी बीवी है। ठीक है, इतने दिनों से तुम्हारी पर्सनालिटी देख करके मैं तुम्हें बड़ा धारदार समझती थी। मेरी तरह तुम्हें भी फेस वैल्यू के बजाय बेस वैल्यू बिल्कुल नहीं है। जवान सवाल की बात कर। चुप कर। क्या तू 6 नंबर को खाली पीली खड़ा होकर लाल टी शर्ट पहन के हुल देता रहता है? जिगर है तो मेरे साथ चल ना, कोर्ट में चल, चल के बता तो फिर जानू। तेरे की, यही सिगरेट पी के तू एक दिन सीरियस हो जाएगा पागल गधा मोटा।